जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज का कोई वीडियो आपको कोई नई जानकारी देने से नहीं है, बल्कि आज का वीडियो आपको एक सच्चाई से रूबरू कराने से है। दोस्तों आर्मी अग्निवीर रिजल्ट का बहुत भाई रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, और दोस्तों इसी बीच अभी हमारे बीच में यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों ने गंदगी मचा के रखी है। देखो सबसे पहली बात तो अभी सभी भाई आर्मी अग्निवीर रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और उनकी भावनाओं के साथ खेलने का काम कर रहे हैं अभी बहुत सारे लोग। यहाँ तक की बात देखो कि किसी भी मतलब आर्मी अग्निवीर रिजल्ट के बारे में एक्सपेक्टेड डेट बताना एक बात होती है कि इस दिन तक रिजल्ट जारी हो जाएगा, लेकिन कुछ कुछ महानुभव ऐसे हैं जो रिजल्ट की तारीख भी दे चुके हैं और रिजल्ट कितने बजे आने वाला है ये भी देख चुके हैं। यहाँ तक कि वे लाइव पर अपना नोटिफाई मी वाला ऑप्शन डाल करके ये भी सेट करके रख चुके हुए हैं कि मैं इतने बजे लाइव आऊंगा और उतने बजे आपका आर्मी अग्निवीर का रिजल्ट आ जाएगा और सबका मैं एक एक करके रोल नंबर से चेक कर डालूंगा। तो मैं उन लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि भाई इतनी खिलवाड़ मत करो, है ना। युवा जॉब की तैयारी कर रहा है, देश सेवा के लिए तत्पर है, तैयारी कर रहा है, उसकी भावनाओं के साथ इतनी खिलवाड़ मत करो। अपने चंद व्यूज के चक्कर में इतना भी अपने आप को आर्मी के चेयरमैन मत समझो, है ना। मतलब भाई मतलब कुछ भी हो रहा है, ये हो रहा है कि मतलब अपने आप को आर्मी का चीफ समझ लिया गया है और डेट बाय डेट दी जा रही है कि इस तारीख को मैं इतने बजे लाइव आऊंगा और सबका रिजल्ट चेक करूंगा। यहाँ तक कि कुछ महानुभाव ऐसे भी है वो भी किए जा रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूँ भाई ये काम न करने से अच्छे आप उन युवाओं को इस तरीके से गाइड करते कि आगे चल के उनको फ्यूचर में जो उनकी रनिंग होने वाली है उससे संबंधित गाइड करते, मतलब कि आपका उनका फिजिकल जैसे कि जून से स्टार्ट होने वाला है तो भाई की रनिंग की उनको टिप्स देते। रनिंग की टिप्स नहीं दे सकते तो उनको कम से कम डॉक्यूमेंट्स में डीवी में आगे चल के किसी प्रकार की दिक्कत न हो डीवी संबंधित जानकारी देते। तो जितने भी भाई यूट्यूब को इस चैनल को देख रहे हो तो मैं बता दूं कि यहाँ पर यूट्यूब पर गंदगी मची हुई है, आप रिजल्ट का इंतजार मत करें, रिजल्ट का इंतजार ना करें। देखो प्रोसेस है, आर्मी का प्रोसेस है, रिसेंट में चुनाव भी चल रहे हैं, प्रोसेस है, चलते रहता है। और भाई रिजल्ट की एक्सपेक्टेड डेट बताना एक अलग बात होती है। मैं भी आपको बोलता हूँ कि मई के लास्ट तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन कुछ महानुभव ऐसे हैं जो सीधे ऐसे बोल रहे हैं कि भाई इस तारीख को इतने बजे मैं लाइव आऊंगा और आपका रिजल्ट मैं चेक कर दूंगा। मतलब आप कोई इतने बड़े आर्मी के चीफ और चेयरमैन नहीं हो कि आप को इतनी जो है गुप्त बातें आर्मी के द्वारा शेयर कर दी जाती है पहले ही, है ना। मेरा मोटिव ये वीडियो बनाने का मेन ये है कि भाई आप जो है जो वीडियो बना रहे हैं ये सब वीडियो ना बना के उन भाइयों को ये बताते कि भाई अभी रनिंग की तैयारी कैसे करनी है, कितनी रनिंग करनी है, मॉर्निंग में कितनी रनिंग करनी है, इवनिंग में रनिंग कितनी करनी है, कितने किलोमीटर रनिंग करनी है, मतलब कितनी सेफ रनिंग करनी है कि आपको किसी प्रकार की इंजरी ना हो। नहीं तो आप अभी जो है ज्यादा रनिंग कर लेंगे तो आगे चल के आपको फिजिकल में जो है इंजरी हो जाएंगी, सिन पिन हो जाएगा और ये सब कारण बनते हैं आपके रनिंग में डिस्क्वालीफाई आपको होने के, है ना। तो मैं बता रहा हूँ कि वो सब तो अपना काम नहीं कर सक रहे हैं, लेकिन मैं अपना एक काम कर रहा हूँ। मैं आपको ये वीडियो के माध्यम से यही सूचना देने आया हूँ कि भाई आप रिजल्ट का इंतजार मत करो, अपनी रनिंग करो। जिस भी भाई के जो गैर हिंदी भाषी राज्य से जैसे असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम इन सभी राज्य से है और अगर से 20-22 क्वेश्चन सही है तो फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दो। और अगर से कोई भाई हिंदी भाषी राज्य से जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, है ना, बिहार, इन सब भी राज्यों से है तो अगर से 25 प्लस क्वेश्चन भी सही है तो फिजिकल की तैयारी करो, क्योंकि भाई यहाँ पर आपको फिजिकल मतलब ये नंबर के आधार पर ही सिलेक्शन नहीं होने वाला है, आपका सिलेक्शन आपके फिजिकल के मार्क्स के नंबर पर भी होने वाला है। क्योंकि अगर से आप अभी गैर हिंदी भाषी राज्य वाले 22 क्वेश्चन सही करते हैं और हिंदी भाषी राज्य वाले 25 क्वेश्चन सही करते हैं और आगे चल के आप 100 का फिजिकल मारते हैं तो आपका सिलेक्शन होने के बहुत बहुत चांस है, है ना। तो यूट्यूब पर गंदगी मची हुई है, चंद व्यूज पाने के चक्कर में छात्र के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो खिलवाड़ करने वाले करो, आपको आपका फल मिलेगा। लेकिन एक बात है कि ये सब बात करने से अच्छा कुछ गाइडेंस की भी बात कर लेते तो उनका भला हो जाता है और आप लोग को भी वो लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स के माध्यम से दुआएं देते। और मैं बता रहा हूँ भाई जो भी तैयारी कर रहा है अभी नॉर्मली मॉर्निंग के टाइम में रनिंग कर रहा है तो 2.5 किलोमीटर रनिंग करे, कोई टाइमिंग मत मिलाए, और शाम के समय में कम से कम 1600 मीटर की रनिंग करे और उस समय आप टाइमिंग मिलाए। और मैं बता दूं कि सप्ते में आपको 3 दिन टाइमिंग मिलाना चाहिए और आपका टाइमिंग आप कोशिश करें 5:20 के अंदर आने की। अगर से आप 5:20 के अंदर आ जाते हैं, मतलब 5:20 में आप रनिंग मार देते हैं 5:20 में, तो आपको इस बार आर्मी अग्निवीर की रेस से डिस्क्वालीफाई करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है, क्योंकि 100 का बीज बनने वाला है
100 में से 30-35 आराम से पकड़े जाने वाले हैं। पिछली बार भी पकड़े गए थे, इस बार भी पकड़े जाने वाले हैं। अग्निवीर की अच्छी खासी वैकेंसी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फिजिकल के लिए पास किया जाना है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बात बता दूं कि वैकेंसी भी पिछले बार से ज्यादा होने वाली है। तो ये यूट्यूब पर जो गंदगी मची है, इस गंदगी को साफ करने में मत रहिए, आप अपना काम करिए। इनका काम है वीडियो बनाना, रिजल्ट अपने समय पर आता है और समय पर ही आएगा। मई के लास्ट वीक तक नहीं आया तो जून के फर्स्ट वीक तक आएगा, लेकिन जितना लेट रिजल्ट आ रहा है आपको आपको खुशियां मनाना चाहिए कि आपको फिजिकल के लिए उतना समय मिल रहा है करने के लिए, है ना। तो फिजिकल की तैयारी करो, सुबह शाम रनिंग करो, सुबह के टाइम केवल 2.5 किलोमीटर दौड़ो, दौड़ो ज़्यादा इसलिए मत दौड़ो क्योंकि आपको केवल 1600 मीटर ही दौड़ना है। और 2.5 किलोमीटर सुबह दौड़ो और शाम को केवल 1600 मीटर दौड़ो। और सप्ताह में कम से कम 3 दिन टाइमिंग मिलाओ और टाइमिंग इस प्रकार से तैयारी करो कि लास्ट तक आपका टाइमिंग 5 मिनट 20 सेकंड के अंदर आना चाहिए, तभी आप 100 का फिजिकल मार पाओगे दोस्तों। तो छोटी सी जानकारी के साथ आपके साथ में जुड़ा था, और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है अपने सब्सक्राइबर बढ़ाना, लेकिन आपका अगर से कोई धर्म बनता है कि आपको सही जानकारी दी जा रही है तो आप हमारी 10,000 फैमिली कंप्लीट होने वाली है, तो आप हिस्सा बन सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, वरना इतना भी हमारा परिवार ढेर है। बस यही थी जानकारी। आपको वीडियो में क्या सच्चाई लगे अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अपने AR का नाम लिख करके जाना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।